लोकसभा 2019 के होने वाले चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर अधिकारियों की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने 20 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। देखिए रिपोर्ट। रविवार शाम 5 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं इंदौर में 19 मई को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव को लेकर अब लगातार बैठकें भी शुरू हो गई हैं। इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने चुनाव के लिए 20 नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, जो कि चुनाव व्यवस्था संभालेंगे। इसके साथ ही चुनाव में ड्यूटी करने वालों के लिए भी उन्होंने निर्देश जारी किए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि जैसे ही चुनावों की घोषणा होती है, तत्काल हमें स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कॉल करनी होती है, और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कॉल करके जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधान है, निर्वाचन का जो कार्यक्रम आया है, इसके बारे में जानकारी देने के निर्देश हैं। तो इसीलिए आज हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कॉल की। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र, सीईओ जिला पंचायत नेहा मीणा, अपर कलेक्टर एवं आला अधिकारी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।